नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 10, कितना देखेंगे सेट नंबर 10। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, बार बार एक चीज़ आपको बोल रहे हैं, आप लोग ढीला मत पड़िए, इस चीज़ को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट होगा। ढीला पड़ जाएंगे तो फिर 70 प्लस स्कोर कम हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट रुक जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, बहुत उम्मीद रहता है हर एक को, फैमिली में हर एक को आपसे बहुत उम्मीद रहता है कि जॉब लगे। और आपको भी पता है, अगर आपके पास जॉब रहेगा तभी आपको कोई पूछने वाला है, अगर जॉब नहीं रहेगा दोस्तों तो कोई आपको नहीं पूछेगा। लेकिन अभी यही हकीकत है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर एग्जाम दोस्तों जब हो, यानी कि जून में ही लेके चलिए एग्जाम होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि अगर आपको 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा तो आप 10 दिन तैयारी में लग जाएंगे, ऐसे में नहीं निकलेगा एग्जाम। पहले से तैयार रहना पड़ेगा, पहले से तैयारी रखना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट होता है। एक एक चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको गलत हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक ही क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं आपको, आप देखते होंगे एक ही क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन जाके गलत हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को आप मेंटेन करेंगे ना, अभी तो एग्जाम में टाइम है, अभी तो मेंटेन कर लीजिए, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन हार्ड लगे, जो भी क्वेश्चन नया लगता है, या जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है, तो उसको आप एक अच्छे से नोट में लिखिए, ताकि दोस्तों उसको अगर पढ़ेंगे तो दोबारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और लिखने से क्वेश्चन ज्यादा याद होता है, ये भी चीज आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार आपको बोलते हैं, ढीला मत पड़िए, एक सेट किसी न किसी टाइम आप जरूर लगाइए। और ध्यान रखना, डेली आपका जो क्लास है ये 8 बजे आता है, ठीक है, 8 बजे आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, और मैराथन क्लास को भी कोई मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, सुन, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वे संस्थाएं बताएं जिसे यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पे स्थापित किया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है उसके स्थान पे स्थापित किया गया है, कौन सा वो नाम है। याद रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका मानवाधिकार परिषद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर वीणा बजाते थे। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि भारत का पहला पोषक संग्रहालय, क्या यहाँ पे पोषक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो पोषक संग्रहालय दोस्तों याद रखना, ये जो है आपका गोवा में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि डकैत फूलन देवी, यहाँ पे डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे। डकैत फूलन देवी के दोस्तों जो है नाम पर बनी फिल्म जो दोस्तों, उसका निर्देशन किसने किया था, निर्देशक कौन थे। याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शेखर कपूर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे विधानसभा है, तो विधानसभा दोस्तों याद रखना ये 5 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये दोनों 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दोस्तों यहाँ पे दर्जा जो है प्रदान किया गया। नागालैंड को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा मिला था, याद रखेंगे ये 13वां संविधान, क्या होगा ये 13वां संविधान, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि डैश मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है, यानी कि कितने मौलिक अधिकार दोस्तों जो है भारतीय संविधान में लिखित है या उल्लेखित है। याद रखना ये 6 प्रकार का, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक शर्त नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने का दोस्तों जो 5 शर्त होता है उसमें कौन सा यहाँ पे नहीं है, याद रखना संपत्ति अधिग्रहण दोस्तों यहाँ से ये नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। देखिए संपूर्ण भारतीय संविधान को निर्माण करने में संविधान सभा को जो कितना समय लगा था, याद रखना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है। देखिए राष्ट्रपति की यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो याद रखना उपराष्ट्रपति यहाँ पे कह रहा है कि किसको देता है, याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया, यानी कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, यहाँ दोस्तों ध्यान रखना ये किसके लिए शामिल किया गया है संविधान में, याद रखना ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट जगह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के पहले कह रहे के मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, ऑस्ट्रेलिया के पहले मूल निवासी का नाम बताना है जिन्होंने ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर केथी फ्रीमैन हो जाएगा। क्या होगा ये, केथी फ्रीमैन, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था याद रखना। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विश्व मलेरिया दिवस, क्या यहाँ पे विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से कौन सा दिन मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों मनाते हैं याद रखना 25 अप्रैल को, कब 25 अप्रैल, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सिडबी, यहाँ पे सिडबी की स्थापना की गई है किसके लिए, सिडबी के यहाँ पे कह रहे कि स्थापना जो किया गया है किसके लिए किया गया है, याद रखना ये लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने के लिए, ठीक है, वित्त या सहायता देने के लिए, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 8 बजे मॉर्निंग में सेट लगाते हैं, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में आप लोग प्रेजेंट रखें, जब तक एग्जाम होता है तब तक यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, तो तब तक आप लोग जो है यहाँ पे जुड़े रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेहतर आर्थिक, क्या यहाँ पे बेहतर आर्थिक सामाजिक अवसरों को पेश करने वाले अन्य देशों से यहाँ पे कह रहा है कि अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुपात के यहाँ पे जो है उत्प्रवास को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसे दोस्तों बोलते हैं प्रतिभा पलायन, क्या बोलते हैं प्रतिभा पलायन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि मुद्रा स्फीति का यहाँ पे मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है, मुद्रा स्फीति है, तो याद रखना इसके लिए जो अपनाया जाता है ये हॉकिंस, क्या होगा ये हॉकिंस हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर, देखिए ब्राजील देश जो दोस्तों है इसका बड़ा सबसे जो शहर है कौन सा है, तो ये साओ पालो है, क्या है साओ पालो, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि महानदी, क्या यहाँ पे महानदी का निम्नलिखित में से फैला हुआ है, महानदी दोस्तों जो है आपका मैदान उसका कह रहे कि फैला हुआ है किसके मध्य, ऑप्शन में बताना है, तो याद रखना ये मध्य छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी करेक्ट रहेगा, ये छत्तीसगढ़ के बारे में बोल रहा है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है महानदी का मैदान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि मेकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पहाड़ कह रहा है कि किस नदी के वो आपका जो है उद्गम को चिन्हित करता है, क्या यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है, याद रखना इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यहाँ पे सीमांध्र का दोस्तों यहाँ पे नई राजधानी होगी, अभी बन गई है सीमांध्र, मतलब याद रखना आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर याद रखना अमरावती, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यहाँ पे उदाहरण है किसका, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि इनमें से कौन सी नदी है जो पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, पंजाब से होकर नहीं गुजरने वाली कौन सी नदी है, ऑप्शन में बताना है, याद रखना ये गंगा नदी पंजाब से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पानी का कोई भी रूप, क्या यहाँ पे पानी का कोई भी रूप जो बादलों से घिरता है उसे कहते हैं, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से घिरता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना ये प्रोसी आपका जो है प्रोसिपिटेशन, क्या होगा ये प्रोसिपिटेशन, ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, पानी का कोई भी रूप जो बादल से घिरा हुआ है उसे दोस्तों प्रोसिपिटेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अकबर ने मियाँ, क्या यहाँ पे अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था, अकबर ने मियाँ का दसों शीर्षक जो दिया था किसे दिया था, तो याद रखना तानसेन को, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ढीला मत पड़िए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ढीला पड़ जाएंगे तो अभी जो आपका 70 प्लस स्कोर आ रहा है फिर घट जाएगा, ठीक है, आपका इलेक्शन के बाद यानी कि होते ही इलेक्शन आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, इसलिए पहले से हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए किसी भी तरह एक सीट आपको एक सीट मेंटेन करने का, यानी कि एक क्लास आप जरूर कीजिए जब भी टाइम मिले, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है डैश ब्रिटिश की यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा शिमला हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना, क्या यहाँ पे अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। तो इबादत खाना का दोस्तों निर्माण जो अकबर कराया था कब कराया था याद रखना 1575 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका सॉरी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में मुगल शासक को खत्म करने के लिए एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि मुगल शासन को कौन खत्म किया था, ये इसका श्रेय दोस्तों है बड़ी सीमा में किसे दिया जाता है, तो याद रखना ये मराठा को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बीरबल, क्या यहाँ पे बीरबल किसकी अदालत में दोस्तों सलाहकार था, बीरबल दोस्तों जो है ये किसकी अदालत में सलाहकार था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर अकबर के दरबार में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो दिया था दोस्तों ये कहाँ दिया था, याद रखना सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, ध्यान ऑप्शन यहाँ से बी आपको करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि टोरा यहाँ पे क्या है, टेराकोटा, क्या यहाँ पे टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है जिसे दोस्तों कह रहा है कि किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है, यानी कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा मूर्तियों का एक संग्रह है किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है, याद रखना इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके गणेश महोत्सव, क्या यहाँ पे गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो गणेश महोत्सव का दोस्तों शुरुआत जो किया था ये किया था लोकमान्य तिलक, यानी कि बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके मगध राज की यहाँ पे जो है राजधानी राजगृह दोस्तों निर्माण किसने किया था, राजगृह का निर्माण दोस्तों कह रहा है कि किसने किया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटों के स्थान पर कह रहा है कि किस वंश का राज स्थापित हुआ था, कौन सा वंश है कर्नाट के दोस्तों कह रहा है कि स्थान पर किस वंश का स्थापना हुआ था, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका आइनवारा वंश, क्या होगा ये आइनवारा वंश, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार में आने वाले पहले चर्चित विदेशी दोस्तों जो है कौन था, पहला यानी कि बिहार आने वाला पहले आपका जो है विदेशी यात्री कौन थे चर्चित, याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा मेघास्तनी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया, बिहार राज्य का नाम बिहार जो दोस्तों दिया है ये किसने दिया है, तो याद रखना तुर्कों ने, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बिहार के गवर्नर दोस्तों यहाँ पे जो है लॉर्ड सिन्हा ने, क्या यहाँ पे लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था, लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से यहाँ पे इस्तीफा जो है किस आंदोलन के समय दिया था, याद रखना असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि महागोविंद, क्या यहाँ पे महागोविंद नामक वस्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था उसने दोस्तों जो है किसका निर्माण किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह की राजधानी की, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का दोस्तों मुख्यालय जो है कहाँ है, याद रखना एम्स्टर्डम में, कहाँ ये एम्स्टर्डम में, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना आपको साथ में बनाना है, आपको कितना नंबर आ रहा है कॉमेंट भी करना है, ठीक है ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रहनुमाई, क्या यहाँ पे रहनुमाई मजदयासन समाज दोस्तों जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये समाज दोस्तों जुड़ा हुआ है किससे, तो याद रखना पारसियों से, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय किसके सिक्के को दोस्तों यहाँ पे जो है प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से, कह रहा है कि पहले के नहीं थे, पहले के दोस्तों जो नहीं थे, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से यहाँ पे, कह रहा है कि पहले के नहीं थे, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व, पांचवीं शताब्दी पूर्व हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मेरा गांव, क्या यहाँ पे मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट कर रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट दोस्तों जो है किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर संस्कृति मंत्रालय होगा, क्या होगा ये संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय आपका जो है वानिकी, क्या यहाँ पे भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, शिक्षा परिषद का दोस्तों महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, कंचन देवी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े दोस्तों जो है शुरू हुए आपका जो है शुरू होने वाली पहली एयरलाइन कौन बनेगी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाली यहाँ पे पहली एयरलाइन कौन सी होगी, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंडिगो। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सहारा, क्या यहाँ पे सहारा समूह के यहाँ पे जो है संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, सहारा समूह का दोस्तों संस्थापक कौन है, याद रखना इसका राइट आंसर सुब्रत राय, क्या होगा ये सुब्रत राय, इसका अभी जो है हाल ही में निधन हो गया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस दवा का एलर्जी के लिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोग किया जाता है, देखिए किस दवा का प्रयोग जो है एलर्जी के लिए रूप में करते हैं, याद रखना एलर्जी के लिए जो प्रयोग करते हैं तो आपका हो जाएगा फेक्सोफेनाडाइन, क्या होगा ये फेक्सोफेनाडाइन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का यहाँ पे जो है थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का दोस्तों जो है किसकी कमी के कारण नहीं जमता है, तो याद रखना विटामिन के, क्या होगा ये विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक बार बार ये सवाल आता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर देखिए इंटरनेशनल लेवल पे है ये, ठीक है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका जो है एन आपका जो है एन ई बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जिसको बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, और भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि DPT, क्या यहाँ पे DPT टीका दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, तो DPT के दोस्तों जो प्रकार है ये किस प्रकार का है, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका ए संयुक्त टीका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मकड़ियाँ, क्या यहाँ पे मकड़ियाँ दोस्तों कह रहा है कि किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो मकड़ियाँ दोस्तों याद रखना ये जो आती है आपका ये एंथ्रोपोडा के अंतर्गत, ठीक है अर्थोपोडा, ठीक है अर्थोपोडा याद रखना मकड़ी दोस्तों अर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन को भी याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है, मानव शरीर का दोस्तों जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो याद रखना 7 से 7.8, ठीक है 7 से 7.8, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मीबोमियन, क्या यहाँ पे मीबोमियन ग्रंथि किससे संबंधित है, मीबोमियन ग्रंथि याद रखना इसका राइट आंसर आँख से हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि C3, क्या यहाँ पे C3 पौधे में O2 की यहाँ पे मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं, देखिए C3 की पौधे में O2 की अगर मौजूदगी है यहाँ पे तो प्रकाश संश्लेषण के निषेध जो होता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर आपका जो है वारबर्ग प्रभाव हो जाएगा, क्या होगा ये वारबर्ग प्रभाव, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जानवरों का वह सहयोग जिससे दोस्तों आपका है दोनों भागीदारी लाभान्वित होते हैं, यानी कि जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदारी लाभान्वित होते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका ये अन्यो या श्रेयवाद, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंटेलिजेंट टर्मिनल कौन सा है, देखिए इंटेलिजेंट टर्मिनल आपको बता रहा है कौन सा है, इसका राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा, यानी कि एक बड़े CPU की मदद दोस्तों जो है छोटी सी प्रोसेसिंग जॉब को प्रोसेस करता है, ये जो आपका है बड़े आपका जो है इंटेलिजेंस टर्मिनल है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डबल, कि यहाँ पे डबल किस प्रकार का डाटा है, डबल दसों जो है किस प्रकार का डाटा है यहाँ पे बताना है, याद रखना ये आपका जो है प्रीमेटिव हो जाएगा, क्या होगा ये प्रीमेटिव, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अत्यधिक पसीनों को यहाँ पे जो है रोकने के लिए प्रकीली हीट, यहाँ पे प्रकीली हीट पाउडर दोस्तों जो है में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बोरिक अम्ल, क्या होगा ये बोरिक अम्ल, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग को ढीला नहीं पड़ना है, बार बार इस चीज़ को आपको बोल रहे हैं, ठीक है ढीला पड़ जाएंगे तो आपका स्कोर घट जाएगा, फिर आपका रिजल्ट आपका जो है रुक जाएगा, और दोस्तों ध्यान रखना बहुत उम्मीद के साथ आपका जो है मम्मी पापा या जो भी आपके फैमिली में है सभी आप पे ध्यान लगा के बैठा है कि कब जॉब होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, आपके पास अगर जॉब रहेगा तभी कोई पूछेगा, ठीक है इस चीज़ को आप जानना है पहले, ठीक है इसलिए कोशिश कीजिए कि जॉब लीजिए नौकरी लीजिए पैसा कमाइए, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं डेली प्रेजेंट रहिए, डेली 8 बजे सेट आता है, आपको मेंटेन रखना है आपका जब एग्जाम होना है, लेकिन एग्जाम होना है मतलब ये नहीं कि कल आपका एग्जाम का डेट दे दिया तो आप आके तैयार हो जाएंगे, ये नहीं होता है, आपको पहले से इसका जो है तैयारी करना पड़ेगा, पहले से आपको उस चीज़ में डूबना पड़ेगा तभी जाके रिजल्ट होगा, ठीक है ये मत सोचिए कि 10 दिन
एडमिट कार्ड देगा तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा। नहीं होता ऐसा, पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। जॉब लीजिए, जॉब नहीं लीजिएगा कोई नहीं पूछेगा आजकल, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, जरूर आप क्लास अटेंड कीजिए, ढीला मत पड़िए, इग्नोर मत कीजिए पढ़ाई को, अभी ध्यान रखना इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। कह रहे कि एक गोलीय दर्पण के प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे दोस्तों क्या कहते हैं। देखिए यानी कि क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके प्रवर्ती पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं। याद रखना इसे दोस्तों बोलते हैं आपका ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव या पोल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और बार बार बोलते हैं जो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होता है या जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा है या हार्ड लग रहा है, इन सभी को आप लोग कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए मेरे साथ, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, 100% आपको मंजिल मिलेगा। 100% यहाँ पे आपको जो है 70+ स्कोर करके भी भेजेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सारा क्वेश्चन को आप लिखिए, जो कन्फ्यूजन होता है, जो आपको नया लग रहा है, जो आपको हार्ड लग रहा है, इस चीज़ को आप लिखिए और उसको पढ़िए एक दो बार, ताकि दूसरा बार वो क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा है यहाँ पे उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सही रूप से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 58 का ये जो है मैग्नेटिक आपका जो है फ्लक्स टेक्सला, ये आपका क्या है, गलत है आपका, सुमेलित नहीं है। फ्रिक्शेंसी दोस्तों याद रखना हार्टज, प्रेशर याद रखना आपका पास्कल, इलेक्ट्रिक आपका जो कंडक्शन सीमेंस, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुचालक, यहाँ पे सुचालक के प्रतिरोध को यहाँ पे प्रतिकूल रूप से यहाँ पे जो है प्रभावित करेगा। क्या यहाँ पे सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ भाग का यहाँ पे क्षेत्रफल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दिशा, यहाँ पे जो है दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं किसी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए। याद रखना इसका राइट आंसर गैल्वेनोमीटर का, किसका, गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और कॉमेंट आप लोग जरूर कीजिए, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है कॉमेंट कीजिए, आपको स्कोर कितना आ रहा है ये भी आप कॉमेंट कीजिए, ताकि सभी को पता चले कि किसका किसका तैयारी कितना है, तभी जाके कंपटीशन एक दूसरे में फैलेगा, फलना आदमी को ज्यादा नंबर आ रहा है हमको कम आ रहा है, इस चीज को लेके आप चलेंगे तभी जाके आप तैयारी कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए सभी लोग कमेंट कीजिए कितना नंबर आ रहा है और क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर कह रहा है कि त्वरण का मान कितना होगा। देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का मान पूछ रहा है, ठीक है, छोटा जी का यानी कि गुरुत्वाकर्षण का। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 आपका जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस यूनिट को याद रखना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक वेग समय ग्राफ, यहाँ पे वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है। ढलान दोस्तों ये दर्शाती है हमेशा ये त्वरण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट रहेगा। जब भी ये क्वेश्चन रहे याद रखना वेग समय त्वरण में ही ज्यादातर में आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे कभी दे देगा आपको वेग त्वरण दे देगा समय निकाल लेगा, कभी समय त्वरण दे देगा वेग निकाल लेगा, तो याद रखना इसको, इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि बुरादे से ढकी हुई, यहाँ पे बुरादे से ढकी हुई बर्फ दोस्तों जल्दी क्यों नहीं पिघलता है। बुरादा से ढका हुआ बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलता है, इसका कारण है दोस्तों याद रखना बुरादा ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, इसके कारण दोस्तों जो है ये नहीं पिघलती है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि पदार्थ किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा या उनके दोस्तों बीच आकर्षण बल अधिक होती है, यानी कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे दोस्तों जो है एक दूसरे से दूर स्थित यहाँ पे दोस्तों स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। इसका जो मेन कारण है याद रखना ये गैस में होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बुरादे का इस्तेमाल किसके दोस्तों किस में मिलावट के लिए किया जाता है। बुरादा का यहाँ पे इस्तेमाल जो है किसके मिलावट में किया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, धनिया पाउडर। ऑप्शन के अनुसार ये धनिया हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है एथेन, क्या यहाँ पे एथेन दिया है कि एथेन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। तो एथेन का दोस्तों संरचनात्मक सूत्र जो होता है क्या होता है, याद रखना है H2C बराबर डबल बॉन्ड, याद रखना ये डबल बॉन्ड है H2C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, करके नाइट्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन दोस्तों यहाँ पे एक तत्व है कैसा, याद रखना इसका राइट आंसर द्वि परमाणु। ऑप्शन से क्या होगा, द्वि परमाणु, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सफेद क्रिस्टलीय कार्बन अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और चूने के स्वाद वाले पे आपका जो है जिलेटिन डेयर्स डेसर्ट जेम जेली कठोर खट्टा मिष्ठान यानी कि आपका जो है एक जो है अम्ली कारक के रूप में किया जाता है। किसका, कौन सा अम्ल का, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये टार्टरिक अम्ल। क्या होगा, ये टार्टरिक अम्ल। जब ये आपको अंगूर दिखिए आपको आंसर आ गया होगा याद, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कार्नेलाइट, कार्नेलाइट दोस्तों यहाँ पे जो है किसका अयस्क है, कार्नोलाइट याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यूरेनियम का, किसका, यूरेनियम का ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके वाइनिल, क्या यहाँ पे वाइनिल आपका जो है क्लोराइड का IPUC के दोस्तों यहाँ पे क्या है IPU के नेम आपसे पूछ रहा है क्या होता है IUPAC नेम, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा ये सी हो जाएगा, क्लोरोएथीन का है, किसका, क्लोरोएथीन का, वाइनिल क्लोराइड ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वृद्ध भावनात्मक होता है, देखिए वृद्ध का भाववाचक होता है, देखिए वृद्ध का भाववाचक दोस्तों जो होता है क्या होता है याद रखना ये वृद्ध हो जाएगा, क्या होगा ये वार्धेय हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से यहाँ पे कौन सी वाक्य है जिसकी दोस्तों क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, यहाँ पे देखेंगे हिंदी से क्वेश्चन है ये सब याद रखना, ये हाथी सोती है, ये दोस्तों लिंग के अनुसार सही नहीं है ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना आपका जो है मैराथन जो क्लास करवा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं, आप ही लोग के लिए करवा रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। आपका जो है अंकित भाटी सर का आपका बुक लगभग खत्म होने वाला है और जो दोस्तों आपका जो ज्ञान बिंदु का भी चला रहे हैं वो भी आपका चल रहा है, आपका जो है खान सर का भी शुरू किए हैं वो भी चल रहा है, इन सभी को भी अटेंड जरूर कीजिए, मैराथन क्लास लगाएंगे तभी तो दोस्तों क्वेश्चन का मतलब पता चलेगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन अगर सेट में आएगा आपको लगेगा कि कहां से आ गया, लेकिन आप मैराथन क्लास ज्वाइन कीजिए वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आता है। और हम आपको एक बात चीज बोले भी हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है, आप कोई भी क्वेश्चन को पूछा हुआ क्वेश्चन को आप सर्च कीजिए गूगल पे आपको दिखा देगा कि कोई ना कोई एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरे राज्य में हो चाहे कहीं पे भी हो वो क्वेश्चन पूछा गया रहता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से जरूर देखना, मैराथन क्लास में आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उसके आधार पर बनाए गए क्वेश्चन को भी हम लोग रिविजन करते हैं, इसलिए मैराथन क्लास को भी आप ज्वाइन जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि उत्तरी यहाँ पे क्या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा, ऊपरी दिखावे के रूप में दोस्तों जो है होने वाले वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा औपचारिक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है किसका, बानर का, बानर का समानार्थी शब्द यहाँ पे चुनेंगे तो क्या होगा ये कपी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पानी का यहाँ पे बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ, पानी का बुलबुला होना क्या होगा इसका अर्थ याद रखना ये आपका जो है क्षण भंगुर होना ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना, ठीक है भारत डैश देश है, भारत दोस्तों याद रखना एक धर्म निरपेक्ष देश है ऑप्शन यहां से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही बर्तनी वाले शब्द का दोस्तों यहाँ पे चयन करना है तो याद रखना ये जो आपका डी लिखा हुआ है आधुनिकरण ये आपका सही लिखा है ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। और शुद्ध दोस्तों अशुद्ध शुद्ध आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आँख में कौन दोस्तों जो है गिर गया, आँख में कौन गिर गया त्रुटि यहाँ पे परिचय दीजिए, क्या त्रुटि है इसमें, ठीक है त्रुटि का परिचय दीजिए, यहाँ जो दोस्तों कौन है या क्या है याद रखना ये आपका सर्वनाम है, ठीक है ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बिहारी रत्नाकर का दोस्तों रचयिता कौन है, बिहारी रत्नाकर का रचयिता कौन है तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रत्नाकर, क्या होगा ये रत्नाकर ही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा बिहारी रत्नाकर के रचयिता। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे इंग्लिश है यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे दिया है कि गिवन द वर्ड फिल इन द ब्लैंक आपको चुनना है, ठीक है द कमिटी यहाँ पे कमिटी सजेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एज इट वाज डैश यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका आपका जो है कंट्रोवर्सियल हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना इंग्लिश कॉपी आप लोग स्किप करके नहीं चलेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों जो है अच्छा खासा आपका जो है बिहार पुलिस का जो स्पेशल ब्रांच आएगा उसमें भी पूछा जाएगा तो इंग्लिश आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ पे तो आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा इसको आप लेके चलना है, 8-10 में हम लोग को कितना सही करना है 3 से 4 नंबर ही सही करना है 70+ स्कोर करने के लिए, इसलिए डेली आप यहाँ भी रिविजन करेंगे इसको, ठीक है स्किप नहीं करना।
देखिए यहाँ पे क्या है, मोस्ट आपका जो है इफेक्टिव वर्ड यहाँ पे चुनना है, ठीक है। इस ब्लैंक में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मूवी मेकर्स जनरली डैश हिस्टोरिकल आपका जो है फैक्ट टू राइट देयर स्टोरीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, एडेप्ट ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी क्या पूछ रहा है यहाँ पे साइनोनम, तो साइनोनम का मतलब आपको बता दें क्या होता है, समान शब्द वाला। था यहाँ पे क्या है, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेक्टिफी, रेक्टिफी का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, याद रखना ये जो है एमेंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, अल्टरनेटिव विज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, यहाँ पे एडम्स फ्रेज का चुनना है, ठीक है। यहाँ पे ए मैन ऑफ लेटर्स, यहाँ पे ए मैन ऑफ लेटर्स, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, स्कॉलर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए द प्रॉब्लम हैज बीन ट्रीटेड बाय नंबरियस एक्सपर्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा आपका, नंबरियस एक्सपर्ट हैव ट्रीटेड द प्रॉब्लम, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, कह रहा है कि वह अंग्रेजी बोल चुका, यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करना है, वह अंग्रेजी बोल चुका होगा, यहाँ पे अंग्रेजी बोल चुका होगा कह रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग रीजनिंग देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कंप्लीट सिलेबस के अनुसार आज जो है दोस्तों हम लोग सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कि लुप्त संख्या आपको निकालना है, तो लुप्त संख्या यहाँ पे दोस्तों ये सब क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत टाइम ले लेता है, इस प्रकार के सवाल को पहले एक मिनट से कम समय में दोस्तों आपको सोचना है इसके प्रति कैसे लिया है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर छोड़ देना है, आगे बनाना है, क्योंकि ये सब सवाल में एक बार में अटैक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे किया है, तीन और यहाँ पे जो है प्लस चार, तीन और पाँच को जोड़ा है, तीन और प्लस पाँच को और गुना कीजिए सात से, तीन प्लस पाँच गुना सात, ठीक है। उसके बाद आपको क्या किया है, प्लस किया है फिर इसको गुना करके, तीन गुना यहाँ पे पाँच, यहाँ पे इसको करेंगे तो आपको इकहत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करना छः गुना चार, और दोस्तों जो है छः प्लस चार उसके बाद गुना करना कितना से, ग्यारह से, तो छः चार दस एक सौ दस हो गया, और फिर इसी को गुना करके जोड़ देना, छः चौके चौबीस, एक सौ दस में एक सौ चौबीस जोड़ेंगे, एक सौ दस में कितना हो जाएगा, एक सौ चौंतीस, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देना है कि यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या होगा, ठीक है, वाट के जगह देखिए आँख जो है दोस्तों यहाँ पे पलक झपकना, आँख का काम क्या है, पलक झपकता है, यानी कि आँख जो है यहाँ पे दोस्तों हार्ट हृदय दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हृदय आपका क्या हो जाएगा, तो आपका धड़कना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके अनिल एक फोटो के इशारा करता है, ठीक है, एक फोटो बना देते हैं पहले, ये फोटो है, ये आपका जो है अनिल है, ठीक है, अनिल ए दे दिए, करता है, कहता है कि उसका जो पिता है, ये फोटो का पिता, ये फोटो का ये पिता जो है, करके मेरी माता का इकलौता पुत्र है, यानी कि दोस्तों ये जो माता है इसका, ये इसका इकलौता पुत्र है, यानी कि यही पुत्र है, तब कह रहा है यानी कि वह फोटो किसका है, तो यहाँ पर देखिए ये फोटो नीचे है इसका, तो यानी कि ये खुद है अनिल, ये खुद हो गया ना, तो अनिल का यह जो खुद आपका क्या होगा, लेकिन ये निर्धारित नहीं है फोटो में आपका स्त्री है कि पुरुष है, तो यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि मैं उत्तर की ओर यहाँ पे गया 15 मीटर, यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम को याद रखना, ऊपर में हमेशा जो है नॉर्थ होता है, ठीक है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इसको आप याद रखना, यहाँ से अगर ये याद नहीं रहेगा तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उत्तर की ओर 15 मीटर चला, तो उत्तर यानी कि ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर हम लोग 15 मीटर पहले चल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहे कि फिर पश्चिम की ओर, यानी कि फिर इधर चला, तो इधर कितना चला, ये 10 चला, ये 10 कर दिए। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि कुछ दूरी दक्षिण की ओर फिर मुड़ा, 5 चला, तो ये आपका जो है ये 5 चला, दक्षिण नीचे हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर में 10 चला, ये आपका जो है ये 10 चला। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लास्ट में कि अब मैं आरंभिक दूरी से किस स्थान पर, यहाँ से आरंभ किया था और ये जो है ये बिंदु यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो आया तो ये किस दिशा में, ये उत्तर का दिशा में ही हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए कितना में, ऑप्शन आपका सी में है, तो सी इसका राइट आंसर जो है ये उत्तर का ही दिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपको कूट दिया है, आपको ए बी सी डी जाते ही लिख देना है, ठीक है, ए बी सी डी आपको जाते ही लिख देना है, सबसे पहले अगर याद नहीं आता है तो जाते ही लिख देंगे तो टाइम का बचत होगा और आपको अच्छे से बन भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है आपका, सभी में दोस्तों क्या किया है, 5 जोड़ जोड़ के किया है, डब्ल्यू में 5 जोड़ा है, फिर आपका जो ए में 5 जोड़ा है, आर में 5 जोड़ा है, इस प्रकार ऑफिस में भी आप लोग जोड़ लेंगे, इसका राइट आंसर ए यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखेंगे यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुज का सवाल है, इसको आप लोग जो है पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा बनाना, ठीक है, प्रोसेस इसका 2 फॉर्मूला निकालना पड़ेगा उसके बाद बनेगा, इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ये 18 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल जाएगा।
नेक्स्ट टाइम देखिए दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली कह रहा है कि अक्षरों को कितने तरीका से लिख सकता था। फैक्टर सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पे कितना शब्द है, पांच शब्द में है, पांच लेटर है, तो यहाँ पे पांच दे दिया, ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर का साइन है। तो पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक तक जाएंगे, आप सभी को गुना कर दीजिए, यही संख्या हो जाएगा, यानी कि इतना तक ये कितने तरीका से बना सकते हैं, विन्यास कर सकते हैं। पाँच चौके बीस या साठ दो ना 120, तो ऑप्शन यहाँ से कितना में है, बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो उम्मीदवार लड़ रहा है, ठीक है, एक उम्मीदवार कुल मत का 20% प्राप्त किया और दूसरा यहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पे 600 मत से हार भी गया। चुनाव में डाले गए दोस्तों कुल मतों की संख्या कितनी है, अगर 20% ये मत प्राप्त किया है तो यानी कि 80% मत दूसरे आदमी को मिला है, तो 80 या 20 अगर हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60% के बराबर, ये कितना से हार रहा है, 600 सके तो गुना कर दिया, बराबर कर दिया 60 के बराबर, तो ये आपका कट गया, ये प्रतिशत में ध्यान रखना, ये 10 हो गया, अगर 100% यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 गुना आपका 100 करेंगे तो कितना 1000, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी दोस्तों लाइन के किनारे खड़े, दोस्तों अब देखिए जब भी दोस्तों अगर पोल रहे या किनारे खड़े हुए किसी व्यक्ति को या पेड़ को रहे तो दोस्तों यहाँ पे जो है रेलगाड़ी का लंबाई ही क्या होता है, दूरी होता है उसका, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। और अगर जब बोलते प्लेटफॉर्म तो याद रखना दोनों को दोनों का दूरी जोड़ना पड़ेगा, अगर रेलगाड़ी का भी जोड़ना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ना पड़ता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है आपका खड़े पेड़ को यहाँ पे पार कर रहा है 30 सेकंड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 बट्टे आपका जो है 30 हो जाएगा, लेकिन आपका किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया है आंसर, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप जो है 18 बट्टे जो है 5 से गुना कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 5 × 25 = 25, 5 × 7 = 100, तो 5 दिया ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसका सवाल में ही आपका आंसर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम लोग 10 आपका जो है 10 हो गया, उसके बाद 10 = 15 है, 10 = 75, 10 = 80 है, इसको दोस्तों यहाँ पे ए इसको इसको और दोस्तों यहाँ पे इसको लिख लेना, इसको इसको 10 और 10 × 10 = 80 करेंगे तो अगर ये इंटू में क्या होता है ए प्लस बी हो जाता है, यानी कि 10 आपका जो है 90 हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों 15 और 75 वाला को कर लीजिए एक जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी 10 90 हो गया, यानी कि 1 और गुना 1 कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न, आप लोग को इसमें क्या करना है टाइम बिना जाया के हुए जाते ही भागा दे देना है, ठीक है, बहुत बचत हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भागा दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स वाई दोस्तों यहाँ पे दे दिया है अनुपात में, और यहाँ पे मान सरल करना है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे रख दीजिए तो 5 दिया आपका कितना 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 है वाई का, तब 4 × 2 = 8, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखिए आपका 7 × 7 = 21 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस आपका जो है 4 × 2 = 8, तो 15 में से 8 गया 7 यहाँ पे 21 × 8 = 29, तो देख लीजिए 7 बजे 29, ऑप्शन कितना में सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि एक वस्तु जो है 4% और 8% लाभ पर बेची गई, अंतर दिया था, यहाँ पे क्या करना है कुछ नहीं करना है, 4 और 8 हो गया कितना आपका अंतर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4% का 4% के बराबर कर दीजिए आप, 3 के बराबर हो जाएगा, 3 का बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 4 बट्टे 100 और यहाँ पे आपका क्या करेंगे 25 चौके 100, 1 बराबर आपको कितना निकल गया 75, तो 75 ही इसका राइट आंसर, 75 निकला अभी, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है इसका 75 का 4%, 75 का 8% निकाल लेना है, तभी जाके दोनों का विक्रय मूल्य आपको निकल जाएगा, ठीक है, इसका आप लोग निकालेंगे, इसका राइट आंसर बी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 77 है, 3 संख्याओं का 77 औसत है, कह रहा है कि प्रथम संख्या यानी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया, ठीक है, कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, प्रथम संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स हो गया, ये 2x है, ये आपका जो है 4x, सब में देखिए दुगुना किया था, लास्ट से लेके चलना पड़ता है, ये सब याद होगा आपको, तो 4 × 2 = 6 हो गया, 7x बराबर ये कितना हो जाएगा 77 × 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 11 हो गया, यानी कि एक्स बराबर कितना निकला 11 × 3 = 33, एक्स बराबर 11 × 3 = 33 निकल गया, प्रथम संख्या कितनी है, तो प्रथम संख्या यहाँ पे कितना है आपका, ये जो है आपका 4x है, तो 4 से गुना कर दीजिए 33 में, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 = 13, 132 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि एक पाइप जो है दोस्तों किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, इसमें क्या करेंगे कुछ नहीं करना है, 1/4 - 1/5 कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, तो 20 हो गया, 5 - 4 = 20,
1/20 यानी कि 20 आवर लगेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो हम लोग कांसर का सीरीज 5 में दोस्तों सेट लगा रहे थे, सेट नंबर ये 10 था, ठीक है। आई होप कि ये सेट आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस सेशन को लाइक जरूर करना और एक कॉमेंट जरूर करना। और आपको बार बार बोल रहे हैं किसी भी तरह जॉब कीजिए, जॉब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में रहना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।